दोस्तों, माय नेम इज फैजल। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाटा 407 के इंजेक्टरों के बारे में, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है OBD सिस्टम अपने टाटा मोटर्स ने दिया है और हर अपने मैकेनिक को अलाउ करा है। उनका एक छोटी सी OBD है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और उसको कैसे चलाना है वो भी हम आपको मैं बताऊंगा। ये मेरी वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखिए। OBD कैसे कनेक्ट होती है मोबाइल से, और ब्लूटूथ उसमें से ऑन करने के बाद वो आपका कनेक्ट होती है। चलते हैं इसके इंजेक्टरों पे। इंजेक्टर के बारे में आपको बताऊंगा। दो रंग के इसमें टाटा मोटर्स ने इंजेक्टर दिए, एक दिए डेल्फी के और एक दिए बॉश के। बॉश और डेल्फी अलग अलग एक सिस्टम है, वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज सिस्टम होता है, डेल्फी के और बॉश के अंदर कैसे काम करेगा। चलते हैं वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारे पास ये OBD टाटा मोटर्स ने दिए, मगर टाटा मोटर्स जो है अपने सारे मैकेनिक को अलाउंडर करना चाहती है कि इसी वजह से हर OBD देगी। हमारी ट्रेनिंग भी होती है, तो जगह जगह से मैकेनिक को बुलाया भी जाता है और उनसे कहा भी जाता है भाई OBD आप ले लिए, आगे के लिए आपको काम में आएगा। आपको मैं बताता हूँ ये कहाँ लगेगा और उसको मोबाइल से कैसे कनेक्ट करेगा। इसमें सॉफ्टवेयर है मोबाइल के द्वारा, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, मैं आपको पहले इंजेक्टर दिखाता हूँ डेल्फी के। आइए चलिए। दोस्तों, ये आपका बॉश का इंजेक्टर है, जिसमें ये सोलेनाइड ऊपर लगा होगा वो होगा बॉश का, और जिसके अंदर ये साइड से लगा होगा वो होगा डेल्फी का। तो मैंने आपको बताया कि जो अगर डेल्फी का इंजेक्टर होगा वो इसका आपका सोलेनाइड इसके अंदर लगा होता है, आपको कपड़ा लगाना पड़ेगा। मेरे पास इंजेक्टर है नहीं, वरना तो मैं आपको जरूर दिखाऊँ। मेरे पास बॉश का इंजेक्टर रखा था, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बॉश का जो आपका सोलेनाइड होता है वो यहाँ होता है। कभी भी जो बॉश के जो इंजेक्टर होते हैं उनको आप एयर निकाल सकते हैं, यहाँ से खोल के निकाल सकते हैं। और अगर डेल्फी के हैं तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कपलर निकालेंगे, उसके बाद हवा निकालेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक कपलर नहीं निकालेंगे तो आपकी गाड़ी का इंजेक्टर जो है डेल्फी के वो चौक हो जाएंगे। चलते हैं OBD के साथ, ये OBD कैसे कनेक्ट होती है और कैसे काम करती है। आइए, मैं अपने मोबाइल पर दिखाऊंगा और वही आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, ये OBD ये कनेक्टर लग रहा है, ये लग गया। चलते हैं TDS लाइट, ये अपने प्ले स्टोर में डाउनलोड करेंगे और हमने इसको चला के देखेंगे। यहाँ से हमने कनेक्ट करा, हमने वेरीफाई करने के बाद ओके का बटन दबाया, फिर हमने जो है ब्लूटूथ को ऑन करा। यहाँ से यस, ये हमारा कनेक्ट हो गया। फिर आपको कनेक्ट ऑफ ऑप्शन आया, ये आ गया। अब हमें इसको टाटा 407 यहाँ से कनेक्ट करना है। हमें टाटा 407 के लिए LCV, ये हमने डीजल की है, डीजल पे भी तो ओके। अब हमारी गाड़ी कौन सी है, टाटा 407, टाटा 407 में ये कनेक्ट हो गया। यहाँ पर हमने LCV डालेंगे, डीजल लिखेंगे, और आपका यहाँ पर देखना है हमारा बॉश के हैं या डेल्फी के हैं। हमारे इंजेक्टर जो हैं डेल्फी के हैं। यहाँ पर हमने कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट दाब देंगे, ये हमारा इंजन मैनेजमेंट खुल गया, ये कनेक्ट हो गया। ये हमारा खुल गया, देखिए रीड DTC क्लियर, और आपका रीड पैरामीटर, रीड ECU इंफॉर्मेशन, तो हमें रीड DTC में जाना है। हमें देखना है कि हमारे गाड़ी में क्या फॉल्ट है। हमारी गाड़ी में सारी टेम्परेचर का है, ट्रम्पेली के, और आपका कॉमन रेयर प्रेशर का आया था, मेमोराइज में चला गया। अब हमें इसको जो है फॉल्ट को क्लियर करना है, तो यस करेंगे तो सेफ हो जाएगा, नो करेंगे तो हमारा डिलीट हो जाएगा। नो हमने कर दिया, फिर हम जो है DTC में जाएंगे। ये सब मेमोराइज हो गया। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो, और अगर आपको OBD को अगर लेना है तो कमेंट करें, कमेंट में अपना नंबर डाल दें, और एक उस पर मैं आपको कॉल कर दूंगा कितने इसका कॉस्ट है। समथिंग इसकी 9000 रुपये की इसकी कॉस्ट है। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, डेल्फी में और बॉश में जमीन आसमान का फर्क है।
डेल्फी का जो सिस्टम है उसके इंजेक्टर में जब हवा आ जाती है तो कनेक्टर में से इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर निकालेंगे, जब उसकी एयर निकालेंगे और बॉल्स की चाहे कनेक्टर लगे रहे आप हवा निकाल सकते हैं, ये चौक नहीं होते। तो ये थी मेरी वीडियो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिए, शेयर करिए और दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों नमस्कार।